सो हाय देयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का टॉपिक जो होने वाला है रिगार्डिंग लॉकडाउन इश्यूज अबाउट योर बाइक। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है हम सबको। सो इट्स अ टाइम वेयर यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन और बिना मतलब कि अपने घर से बाहर मत निकलिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन से, सो ऑलवेज वेयर अ मास्क एंड ऑलवेज कैरी अ सैनिटाइजर विथ यू। सो दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी पर्पज़। बट आप ट्राई कीजिए कि आप घर से बाहर ना निकले किसी भी रीज़न से, जब तक कि वो इमरजेंसी सिचुएशन ना हो या फिर आपकी कोई बेसिक नीड्स की नहीं हो। आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के पास, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे बाइक के साथ फिलहाल, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो है बाइक मैंने चलाई नहीं है जैसे कि मैं रेगुलर चलाता था। एंड आई होप मोस्ट ऑफ अस माइट बी फेसिंग द सेम इश्यूज। और जैसे कि आपको बता दो फिलहाल मेरे बाइक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो द वेरी फर्स्ट इश्यू विच एवरीवन माइट फेस इज बाइक का स्टार्ट ना होना। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी समय तक अगर आप अपनी बाइक को नहीं चलाते हो तो डेफिनेटली आपकी बाइक तुरंत स्टार्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ बैटरी ड्रेन इश्यूज। बट आप इसे जो है मिनिमम 3 डेज के अंदर एक बार तो स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा चला लीजिए अपने कॉलोनी में या फिर जहाँ भी आप रहते हो, बट बाहर मत निकलिए। सो फर्स्ट, जैसे कि मैं काफ़ी समय बाद अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने भी का ज़्यादा तो चलाई नहीं है। लास्ट मैंने जो चलाई थी शायद 7 डेज बिफोर थी, बट उससे पहले भी मैं ज़्यादातर नहीं चला पाया हूँ। सो लेट्स सी कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं। अभी नहीं, ओके तो ये स्टार्ट हो चुकी है। आप अपनी बाइक को मिनिमम 3 डेज में एक बार तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बाइक जो है ज़्यादा टाइम लेगी स्टार्ट होने में, हो सकता है कि वो स्टार्ट भी ना हो। सो आप 3 दिन में मिनिमम एक बार तो उसे स्टार्ट कीजिए और थोड़ी देर के लिए जो है आइडल रख दीजिए, और थोड़ा सा अगर हो सके तो अपनी कॉलोनी में थोड़ा चला भी लीजिए। अनदर थिंग कि अगर आपका सेल्फ नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली हैव द किक। सो एक किक में तो वैसे भी स्टार्ट हो जाती है, सो यू माइट नॉट फेस एन इश्यू इफ यू हैव अ किक। अगर दोनों भी सोल्यूशन अगर फेल हो जाए तो डेफिनेटली आप अपनी बाइक को पुश स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखा था आपको कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने अपनी बाइक को जो है सेकेंड गियर पर डाल दिया है। सेकेंड गियर पर डालने के बाद जो है आप अपनी बाइक को पुश कीजिए और अपने क्लच को जो है पहले ग्रैब कर लीजिए, ओके। फिर इसके बाद पुश स्टार्ट करके रिलीज करके तुरंत जो है वापस उसे पुल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बाइक को एक झटक मिलेगा और वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको डेमो बता देता हूँ कैसे हो जाए। इस तरह से जो है आपकी बाइक स्टार्ट हो गई है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि इसे रिलीज़ करके तुरंत ये करना है। उस समय एक्सेलरेटर ज़रा भी मत दीजिए, सिर्फ क्लच को रिलीज़ करके होल्ड करना है। सेकेंड थिंग इज़ फ्लैट स्पॉट। अगर आप अपनी बाइक को जो है काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में रख देते हो तो आपका जो टायर है तो इस जगह पर जो है एक फ्लैट स्पॉट क्रिएट होता है। तो आप अपनी बाइक को ज़्यादा टाइम तक एक ही जगह पे मत रखिए, हो सके तो उसे आगे पीछे थोड़ा बहुत मूव कीजिए। उससे बेस्ट तो है आप उसे चला ही लीजिए, इससे कि आपके टायर पे फ्लैट स्पॉट नहीं होगा। और जैसे कि मेरे बाइक के टायर में जो है फ़िलहाल नाइट्रोजन मैंने डलवाया है, तो इसकी वजह से जो है एयर के कंपैरिजन में नाइट्रोजन जो है आपके टायर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सो अभी जो है हॉट समर की वजह से आपके टायर का टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट होता है, बट नाइट्रोजन उसे बहुत कम कर देता है। सो अगर आपकी टायर में नाइट्रोजन ना हो और एयर हो तो इससे आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो बेटर है कि आप अपने टायर में हमेशा नाइट्रोजन डलवाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑयल सील जो है लीक होने लग गया है। अब ये लॉकडाउन से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, उसके बाद तो मैंने ऑलमोस्ट इसे चलाया नहीं है। आई डोंट नो फॉर व्हाट दिस हैपेंड। हो सकता है मैंने इसे चलाया ना हो ज़्यादा टाइम के लिए और ये लगातार एक ही पोजीशन में रहा हो, इसलिए हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सो जस्ट लीव इट
मैं इसे अपने सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवा दूंगा। सो प्रिंटेड पार्ट्स की तरह नॉन प्रिंटेड फाइबर पार्ट्स को भी आपको बचाना होगा, क्योंकि ये भी फेड होते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। सो इसके लिए जो सोल्यूशन है, आप 3M का डैशबोर्ड ड्रेसर यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से जो है आपको अपने नॉन प्रिंटेड फाइबर पार्ट्स को जो है प्रोटेक्शन मिलेगा डायरेक्ट सनलाइट से। और उसके अलावा और एक प्रोडक्ट है मोटुल शाइन एंड गो, जिसे आप अपने बाइक के हर एक पार्ट पर यूज़ कर सकते हैं। सो उसका वीडियो जो मैंने रिसेंटली बनाया था, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, या फिर उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो डू वॉच इट। आपके टायर को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है कि अपने टायर को आप टायर ड्रेसर यूज़ कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने प्रीवियसली अपलोड कर लिया है, सो कैन चेक इट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। बट उस समय जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि टायर ड्रेसर इज़ नॉट गुड फॉर योर बाइक टायर्स, इट्स अ कार स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सो यस, डेफिनेटली इट्स अ कार स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बट कार और बाइक के टायर में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मटेरियल का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट सर रबर, जस्ट आपको ये करना है कि इससे आपको जो है इस कॉन्टैक्ट सर्फेस पे नहीं यूज़ करना है, बिकॉज इट्स अ स्लिपरी प्रोडक्ट, सो आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। सो मैं सिर्फ इसे साइड वॉल्स पे अप्लाई करता हूँ, ना कि इस कॉन्टैक्ट सर्फेस पे। सो उस बात का आप ध्यान दीजिए। बाकी तो इसे कैसे यूज़ करना है उसका वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना लिया, सो यू कैन चेक इट ऑन माई चैनल। समय मेरी बाइक जो है धूप में खड़ी है, सो बिकॉज ऑफ द कवर उसे एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल रहा है, सो डायरेक्टली एक्सपोज टू सन नहीं है ये फिलहाल। सो दिस यू कैन डू कि अगर आपको एक ओपन पार्किंग है, और अगर आपके पास कोई स्पेस नहीं है पार्क करने के लिए, मतलब शेडेड प्लेस, तो आप कवर डाल के रख सकते हैं, तो इससे आपके बाइक का पेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि आप अपनी बाइक को अगर ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर रख देंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आपको क्या करना है इस समय पे, एंड आई होप किसी के बाइक के साथ कुछ मेजर इशू ना हुआ हो। अगर हुआ हो तो ये आपको मैकेनिक का वेट करना पड़ेगा, बट अनलेस एंड अनटिल आप ट्राई कीजिए कि आप खुद अपनी बाइक को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए, एंड दैट्स इट। सो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप, एंड आई होप एवरीबॉडी इज सेफ एट होम, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय।